इस गांव का असली नाम है गऊकुल, गायों के नाम से बना। बुला को बोलो राधे राधे, राधे राधे, आइए राधे राधे, बोलो सच्चे दरबार की जय। जल्दी जल्दी आ जाओ, 4 बजे तक बंद रहेगा। ये भजनाश्रम है, यहाँ पर जो लेडीज, जैसे कि मुझे वो लेडीज होती है जो अनाथ हो जाती है, जिसके पति नहीं होते हैं, विधवा माई, उसका पति नहीं, यहाँ पर वो भजन करती हैं। 2000 या ऐसी लेडीज हैं जिनके पति नहीं, अनाथ हैं, यहाँ भजन करती हैं हरे राम हरे कृष्णा 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। एक तरफ हो जाओ बस, नंद बाबा के घर से बोलो नंद बाबा की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महाराज की जय। देखो श्रृंगार हो गया, अगर आप लौट के आएंगे ना तो आप इनका दर्शन कर पाएंगे। मैं 12 बजे तक शिवलिंग पर जल जाती हूँ, क्योंकि ये दशमेश्वर महादेव, जैसे आप लोग अपने घर को छोड़ के गोकुल आए ना दर्शन के लिए, तो इस गांव के अंदर सबसे पहले शंकर भगवान आए थे इस वेला दर्शन करने के लिए। और यशोदा जी ने शंकर भगवान को यहाँ दर्शन नहीं कराया, यशोदा जी शंकर जी को भेज के देख के डर गई कि बालक हमारा छोटा है, और शंकर जी के नाक पे सांप है, डमरू है, कातर माला है, और गोपाल छोटा है, डर जाएगा, तो शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ घूम करके घंटे भर में गाड़ी बैठ के चले जाएंगे। और शंकर जी यहाँ 3 दिन रुके थे, 3 दिन उन्होंने यहाँ तपस्या किया, उसके बाद यशोदा जी ने इनको दर्शन कराया। तो नाम दशमेश्वर महादेव की वृंदावन हो गया है, वृंदावन में जाती है ना, वहाँ मिलता है गोपेश्वर, निधि बने वृंदावन में, और गोपेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर राज करते थे कृष्ण जी, गंगा जी ने गोपी का रूप बनाया और वृंदावन में राज किया था, तो वहाँ गोपेश्वर है। राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बलराम महाराज की जय। सारे नंद चौक, यहाँ पर नंद बाबा चौपाई करने की ब्रेकिंग मिले, नंद बाबा का ये नंद चौक बोलते हैं, यही सब्जी मंडी लगता है। इस पूरे गांव के अंदर 60 वस्तु नहीं बिकता है, यहाँ प्याज लहसुन हिंदा शराब दारू मांस मछली पूरे गांव में नहीं बिकते होते, तो गांव के अंदर 80% ब्राह्मण, और आप जिस घर में जा रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं, वो है यादव, नंदोबा कौन थे यादव थे, नंदोबा के यहाँ गायों की बैठरी थी, नंदोबा के यहाँ दूध दही का भंडार था, और भगवान अपने घर का कभी माखन नहीं छुड़ाते थे, भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते थे और गली गली में भाग जाते थे। तो कृष्ण जी का नाम माखन चोर था, यह नाम क्या पड़ा है माखन चोर, कहती है गली गली में शोर है और लाला माखन चोर, ये गोकुल की माखन चोर गली है, कुंज गली है, छबीली गली है और रंगीली गली है, यहाँ भगवान मटकी फोड़ते थे और मटकी फोड़ फोड़ के भगवान गलियों में भाग जाते थे, तो यही कृष्ण जी का नाम माखन चोर। यहाँ बाजार का प्रसाद मिलता नहीं है, प्रसाद मंदिर से मिलता है, जो लोग अपने घर ले जाते हैं, घर में लेके जाते हैं तो समय बढ़ता है, बाजार का प्रसाद बढ़ता नहीं, यहाँ ऐसे 7 दरवाजे पार्ट किए भगवान, तो ये पहला दरवाजा है। आप लोग गोकुल में आए हैं तो यहाँ पर भगवान का झूला है, सब जगह भगवान बड़े हैं, तो गोकुल में भगवान छोटे, 3 वर्ष भगवान गोकुल में रहे थे,
तो यहाँ पर जो पति पत्नी आती हैं तो वो यहाँ जोड़े से लाला को मिलाते हैं, या भगवान सोने के झूले में जीते, और जो अकेले आती हैं वो भगवान को अकेले देते हैं। आप लोग हम लोग इस गाँव को क्या बोलते हैं, गोकुल, वो बोलते हैं जल्दी में, लेकिन इस गाँव का जो असली नाम है वो है गऊ कुल, गायों का कुल। और आप लोग जो चल रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि हम कृष्ण के घर जा रहे हैं, यहाँ कृष्ण का घर नहीं है, कृष्ण का घर तो द्वारका में है, सुना होगा गुजरात में पड़ता है द्वारका, यहाँ जो संसार आ रहा है वो आ रहा है कृष्ण के माता पिता के घर, तो यहाँ नंदी यशोदा का घर है और ये तीर्थ माता पिता का, चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम। मथुरापुरी है, वृंदावन जंगल है, गोवर्धन बरसाना पहाड़ है और गोकुल धाम है, चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे अपने माता पिता का नाम। और यहाँ जो माता अकेली आवे वो सास ससुर को कल्याण करें, और जो मनुष्य आवे तो वो अपने माता पिता को कल्याण करें। बोलो सच्चे दरबार की जय, चार करो तो पहले आ पकाने का शौक नहीं कि हम आपको पकाए, यहाँ आसाती क्यों है कि जब गोकुल के अंदर किसी भी आए थे तो नंद बाबा की उम्र 60 वर्ष की थी, 60 साल से पहले उनके घर में कोई संतान नहीं थी, 60 साल के जब वो हुए तब ये गांव में किसी भी आए, और यह 9 लाख गाय दान किया नंद बाबा को, अच्छी खुशी किया, कुछ नहीं आसान है, गोकुल हंसता है तो घर बसता है, गोकुल में रोता है तो सब कुछ। बोलो सच्चे दरबार की जय, सो हाँ हाँ।